हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये सोफा है हमारा, ये मूसो ने खराब कर दिया है। और मेरा नाम जगदीश शर्मा है और हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर ब्लॉग, ठीक है जी। तो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं और ऐसी ही वीडियो हम आपके पास भेजेंगे ज्यादातर। हमारे घर में फर्नीचर वगैरह खराब हुआ पड़ा है, उसको ज्यादा टाइम तक हम खराब नहीं कर सकते घर में, एक वास्तु दोष भी कहलाता है। तो इसको सही करवाने के लिए लगभग 5 से 6 हजार रुपए इसको रिपेयरिंग के लिए ले लेते हैं। तो ना हम इसको अपने घर पे ही बिल्कुल सरल एकदम नई की तरह हम जैसे बना सकते हैं। इसको हम आपको अभी दिखाएंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ये चूहों ने इसमें घुस के ये खराब कर दिए, खराब कर दिए। ये सारा खराब हुआ पड़ा है, गंदा हुआ पड़ा है, काफी दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना रिपेयर करें। मैं मार्केट में भी गया था इसको रिपेयर कराने के लिए, लेकिन 6 हजार रुपए हमसे मांगे थे उन्होंने। तो हमने सोचा कि इसको घर ही करके देखते हैं, क्योंकि आज से पहले भी हमने बहुत कारनामे करे लेकिन आज तक वीडियो पे नहीं डाले हमने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद जो हम कारनामे करेंगे उनको भी आपको दिखाएंगे हम। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये कहां कहां से खराब है। ये सारा खराब हुआ पड़ा है, सारा गंदा हुआ पड़ा है। तो बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट साइड में है जाओ, तुम थोड़े से देख। ये यहाँ से खराब हुआ पड़ा है, डैमेज है बिल्कुल, चूहों ने काट दिया है। यहाँ से देखिए क्या हालत बना रखी है चूहों ने इसकी, देखो। ये सारा कुछ जाली वगैरह सब कुछ खराब हुआ पड़ा है ये, और इसको हम आज रिपेयर करेंगे। और उसके बाद की वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि मतलब उसके बाद क्या चेंजिंग करी हमने, आपको नए जैसा हम इसको कर देंगे। देखिए क्या हालत बना रखी है इसकी, जो जाली वाली सब टूट चुकी है और ये बिल्कुल डैमेज है आज की कंडीशन में। ये अगर हम इसको मार्केट में बेचें तो ये 1000 रुपए से ज्यादा का सोफा नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी रिपेयरिंग हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास कुछ मशीनें हैं, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मामूली नॉर्मल पानी से नली से, आजकल समर तो सभी के घरों पे लगे हुए हैं, उनसे भी हम उनको साफ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है ये, तो ये वैक्यूम क्लीनर है, इससे पहले हम इसकी डस्ट रस्ट सब कुछ खींच लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास प्रेशर मोटर है और प्रेशर से इसको हम साफ करके उसके बाद इसकी जो ये सीट खराब हुई पड़ी है उसको सही करेंगे। उसके बाद इसकी जाली वगैरह सही करेंगे। उसके बाद की हम आपको वीडियो, जब एकदम बिल्कुल ओके हो जाएगा उसके बाद की हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि हमने क्या चेंजिंग करी। फिर आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो हम भी कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर से, ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का लड़का है और इनको बहुत आनंद आता है मेरे साथ काम करने में। जबरदस्ती बुला के लाए हैं इनको, गर्मियों के मजे ले रहे थे, कूलर चला के सो रहे थे, यानी कि आज तुम्हें कुछ काम सिखा दूं। सफाई हो चुकी है, जो रेत मिट्टी धूल इसमें से बिल्कुल साफ कर लिया है। उसके बाद अब इसकी धुलाई शुरू होगी, प्रेशर गन से हम करेंगे, करने को हम समर से भी कर सकते हैं समर सीजल से, लेकिन हमारे पास ये है ऑलरेडी ला रखी है तो इसी से कर लेते हैं। धुल जाता है।
बोतल दी हुई है और इसी प्रेशर से इसमें सारे सोफा में सर्फ लग जाएगा। उसके बाद शुरू होगी घिसाई। देखो कितनी गंद इसमें निकली हुई है। देखो और सारे में सर्फ लगा लेने के बाद इसकी घिसाई हो जाएगी, ब्रश से बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा क्लियर। सर्फ लगा के ब्रश से अच्छी तरह घिसाई करने के बाद इनको सही करेंगे। इसमें सोफा लगा के उसके बाद जो ये हमारा ये खराब हुआ पड़ा ये इसमें गद्दा भरेंगे और उसके बाद इसमें जाली लगाएंगे। उसके बाद फिर फाइनल जो उसका रिजल्ट निकलेगा उसको आप लोगों को हम शेयर करेंगे और फिर हमें बताना कि हमारा जो ये मेहनत है ये रंग लाई या नहीं। तो दोस्तों लेट हो गए हैं आज वीडियो बनाने में क्योंकि आज लेट लगे थे हम और अंधेरा भी वैसे काफ़ी हो चुका है, वीडियो भी साफ नहीं आ रही है और इसको सूखने में भी अभी 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे तो तभी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो अगला पार्ट हम इसका बना पाएंगे। फाइनल इसका जो रिपेयर हमने किया है इसको सही किया है, फाइनल हम आपको 2 से 3 दिन बाद हम इसकी वीडियो बना पाएंगे क्योंकि आज तो हमने इसकी खाली वॉशिंग और क्लीनिंग हमने आपको दिखाई है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी पूरी वीडियो दिखा पाएंगे तो तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तब और हमें कमेंट में बताएं कि हमसे क्या कमियां रह गई हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।